दशक पहले तक देश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ा विकल्प हुआ करता था, लेकिन उदारीकरण के बाद से नौकरी के नए मौके सामने आए और परिणाम स्वरूप आज प्राइवेट सेक्टर देश में नौकरी देने में सबसे आगे है। आज भी इस बात पर अक्सर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच वाद विवाद होता रहता है कि सिविल सेवा और कॉर्पोरेट में से कौन सा क्षेत्र बेहतर है। हर कोई अपना तर्क देता है और अपनी पसंद के क्षेत्र को बेहतर बताता है। अगर आप भी इन दोनों करियर विकल्पों के बीच कंफ्यूज्ड हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस करियर में क्या फायदे और क्या नुकसान है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सर्विसेज वर्सेज कॉर्पोरेट जॉब। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो यूपीएससी सीएससी कठिन है, लाखों की संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपियर होते हैं, लेकिन केवल कुछ उम्मीदवार ही इसमें चयनित हो पाते हैं। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टरों की अगर हम बात करें तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, यानी अवसर बहुत ज्यादा है, और इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी ज्यादा आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट बात हम करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। तो जब हम किसी भी नौकरी के फायदे और नुकसान का आकलन करते हैं तो उस समय नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। तो कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के पास नौकरी की सिक्योरिटी नहीं होती है और किसी भी कारण उनकी नौकरी जा सकती है। तो सिविल की नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके पास कॉर्पोरेट सेक्टरों के लोगों की तुलना में नौकरी की अधिक सिक्योरिटी होती है। बिना वैध कारण और प्रॉपर जांच के किसी को भी नौकरी से ऐसे निष्कासित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की। तो जहां तक सैलरी का सवाल है तो सिविल की नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके वेतन के साथ अन्य भी कई भत्ते मिलते हैं। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के अधिकारियों को सिविल सेवकों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। समय समय पर वो अपने प्रदर्शन के आधार पर अच्छा वेतन और प्रमोशन भी पाते रहते हैं। हालांकि सिविल सेवक को कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि उन्हें मुफ्त घर, कार, शिक्षा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन आदि भत्ते मिलते हैं। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को आमतौर पर ऐसे भत्ते नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करियर ग्रोथ की। तो करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दोनों क्षेत्रों के अपने अपने फायदे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब आपको एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता, अनुभव और अन्य कारकों के बाद CEO, सीनियर मैनेजर, कंट्री हेड जैसे प्रोफाइल देता है, जबकि सिविल सेवा आपको कैबिनेट सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक आदि जैसे पद प्रदान करते हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की सेवा करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रगल की। तो आप स्पष्ट रूप से एक निजी फर्म के कर्मचारी के साथ एक सिविल सेवक की जो संघर्ष है उसकी तुलना एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि उनके काम पूरी तरह से अलग हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक सिविल सेवक के पास कई प्रकार के संसाधन मौजूद होते हैं और साथ ही उसे अपने सीनियर्स और अनुभवी साथियों की मदद मिलती रहती है, जो उसके काम को थोड़ा आसान बना देती है। जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजमर्रा के संघर्ष, विभिन्न प्रकार के छोटे संघर्षों से लेकर बड़ी गड़बड़ी तक होते हैं, जो अनजाने में कर्मचारी को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ ये ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यदि कोई भारतीय पुलिस सेवा में काम करता है तो उसे हर वक्त जान का खतरा रहता है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरह का कोई खतरा नहीं होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी की। तो सिविल सेवा में आपको सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यान्वयन के प्रबंधन से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र और विभागों के प्रशासन और पर्यवेक्षण से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपने राज्य और देश को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो लाइफ लेसन्स होते हैं और आप उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, जबकि कॉर्पोरेट जीवन में सीखे गए लेसन्स सबके जॉब प्रोफाइल और संबंधित संगठन की सीमाओं तक सीमित रहते हैं। तो सिविल सर्विसेज और कॉर्पोरेट जॉब्स के फायदे और नुकसान जाने के बाद अब ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी जिंदगी पसंद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।